श्री राम नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, कर जो श्रद्धा सो प्रेम प्रणाम है। भगवान भाव का भूखा होता है, मंत्रों का, कर्मकांड का, इन सब का भूखा नहीं होता है। जो साधक भगवान के पास बैठ करके निश्चल भावना से उसकी साधना करता है, ईश्वर उसकी सुनता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारूडिया। मित्रों, यहूदियों की एक बड़ी प्राचीन कथा है कि मूसा एक बार जंगल से गुजर रहे थे। सांझ हो चली थी, सूर्य अस्त होने वाला था, अचानक उनके पैर ठिटक गए। उन्होंने देखा एक गड़रिया अपनी भेड़ों के बीच में बैठ करके सिर झुका करके कुछ बड़ी अजीब प्रार्थना कर रहा है। उसकी प्रार्थना सुन करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो खड़े होकर के उसकी प्रार्थना सुनने लगे। वो गड़रिया प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, सांझ होने को है, थोड़ी देर बाद में अंधेरा छा जाएगा, तुझे भय भी लगेगा, तो एक काम कर, मुझे अपने पास बुला ले। जब दोनों साथ में रहेंगे तो फिर तुझे भय भी नहीं लगेगा। तू दिन भर का हारा थका होगा, इतना बड़ा तेरी सृष्टि है, इतना बड़ा तेरा साम्राज्य है, सब लोगों की समस्याओं को तू सुनते सुनते थक गया होगा। मैं तेरे हाथ पैर भी दबा दूंगा, तुझे भूख भी लगाई होगी, दिन भर का भूखा प्यासा होगा। मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, मैं तेरा खाना भी बना दूंगा। दोनों बैठ करके साथ में खाना खाएंगे, सुबह अपनी भेड़ों के साथ साथ मैं तुझे भी नहला दूंगा। पता नहीं कितने दिनों से तूने नहाया कि नहीं नहाया, तेरे जो भी हो गए होंगे उनको भी मैं साफ कर दूंगा, तेरे लिए अच्छे वस्त्र भी पहना दूंगा। अब तो मूसा से रहा नहीं गया, उन्होंने बोला ये व्यक्ति पागल है कि किस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है, भगवान के जू निकालेगा। वो उसके पास पहुंचे और उसे जोर से चिल्लाया, हे अज्ञानी व्यक्ति, क्या कर रहा है तुए? वो गड़रिया घबरा गया, उस संत महात्मा को फकीर को देख करके उसके चरणों पर गिर पड़ा। तो मूसा ने बोला, क्या कर रहा है तू? बोले, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बोले, ऐसी कोई प्रार्थना होती है क्या? मैं तुझे बताता हूं कि कैसे प्रार्थना होती है। ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना है, स्नान आदि करना है, फिर सट कर्म करना है, फिर उसके पश्चात में भगवान का आवाहन करना है, फिर तुझे भगवान की प्रार्थना करना है। ये सब क्या नाटक बना के रखा है? तो उसने बोला कि मुझे नहीं मालूम, किसने सिखाया? तो बोले, मैंने कहीं नहीं सीखा, ना मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान है, ना मेरे अंदर किसी प्रकार के कोई संस्कार है, ना मेरा कोई गुरु है। बस अपनी भेड़ों को चराता हूँ, उन्हीं के बीच में रहता हूँ और उन्हीं से बातचीत करता हूँ, तो जो कुछ मैंने सीखा वही परमात्मा से बोल देता हूँ। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए, आपने बताया, मैं अब इसी प्रकार से प्रार्थना करूँगा। मूसा बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ से चल दिए। रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे
कि चलो अच्छा हुआ कम से कम मैंने एक व्यक्ति को सही रास्ते पर ला दिया। थोड़े आगे ही पहुंचे थे कि जैसे सुनसान जगह आई, अचानक आकाशवाणी हुई। परमात्मा ने उसे बोला कि तूने मेरे एक शिष्य को मेरे पास आने से रोक दिया। मैंने तुझे इस सृष्टि पर काय के लिए भेजा था? मैंने इसलिए भेजा था कि तू लोगों के मेरे पास ला, तू लोगों के मेरे करीब ला, तू लोगों को मेरी प्रार्थना सिखा। लेकिन तूने एक व्यक्ति को कम कर दिया। वो मेरी प्रार्थना कर रहा था, तूने उसे मुझसे दूर कर दिया। जा तू तुरंत उसके पास में और उससे क्षमा याचना कर। मूसा तो एकदम कांप गया, भयभीत हो गया कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। वो उसके पास में गया, उस गड़रिया के चरणों पर गिर पड़ा। उसने बोला, भाई तू जो प्रार्थना कर रहा है शायद वो सही है, क्योंकि तेरी प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार कर ली है, लेकिन मेरी प्रार्थना अभी तक स्वीकार नहीं हुई है। बड़ी प्रीतिकर कथा है। ईश्वर भाव का भूखा होता है। आवाह नमन जाना मी नैव जाना मी पूजनम। हम जैसे हैं वैसे ही ईश्वर के समीप बैठ जाए। किसी प्रकार का छल कपट, किसी प्रकार का अहंकार व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। तुम जैसे हो ईश्वर उसी में राजी है। तुम जैसे हो ईश्वर उसी में आपको स्वीकार करता है। आपने बढ़िया पुष्प चढ़ा दिए, बढ़िया सटकर्म कर लिया, बहुत सारे मंत्र बोल दिए, लेकिन आपका भाव नहीं है, आप परमात्मा के समीप ही नहीं बैठे हैं, तो परमात्मा आपको कैसे प्राप्त होगा? मंत्र की सिद्धियां आपको कैसे प्राप्त होगी? अध्यात्म में कभी भी दो और दो चार नहीं होता है। किसी कमरे में हजारों वर्षों से अंधकार है, तो उस अंधकार को दूर करने के लिए हजारों वर्षों तक दीपक नहीं जलाना पड़ेगा। एक दीपक जलाएंगे, अंधकार दूर हो जाएगा। जो व्यक्ति सही तरीके से परमात्मा के निकट बैठता है, वो उसी क्षण परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भावपूर्वक प्रार्थना करें, क्या चढ़ाया क्या नहीं चढ़ाया, क्या भूल हो गई क्या नहीं हो गई, इस पर ध्यान दें ना दें। घी का दीपक जलाया कि नहीं जलाया, घी की जगह तेल का दीपक जला दिया। आजकल कौन सी चीज शुद्ध मिलती है? तो इन सब चक्करों में जो व्यक्ति पड़ जाता है, वो व्यक्ति परमात्मा से दूर होते हुए चला जाता है। हमें नहीं बोलते कि आप कर्मकांड ना करें, करें, लेकिन जैसे हैं वैसे ईश्वर के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दें। और भावपूर्वक जिस दिन आप साधना करेंगे, उस दिन आपको माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।